हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी मित्र में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि अभी हम लोग बिहार स्पेशल कर रहे हैं। बिहार स्पेशल में अब तक पांच वीडियो आ चुका है, ये छठा वीडियो है। और ये पांचों वीडियो अगर आप लोग पहले देख लेते हैं ना, तो फिर समझने में बहुत आसानी होगी, क्योंकि एक क्रम से हम लोग पढ़ रहे हैं। तो वो कहां मिलेगा? तो बिहार स्पेशल के नाम से प्लेलिस्ट बन गया है, जहां आपको मिल जाएगा। तो देखिए, आज क्या पढ़ने वाले हैं? आज पढ़ने वाले हम लोग बिहार की नदियों के बारे में। बिहार की नदियां काफी महत्वपूर्ण चैप्टर है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे कि नदियां पढ़ना क्यों जरूरी, इससे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, क्या प्रश्न पूछा गया है। तो चलिए आइए देखते हैं। तो देखिए, नदियां जब बहती है ना, तो वो कैसे बहती है जरा बताइएगा। तो आपका जवाब क्या होगा? आपका जवाब, नदियां हमेशा ढाल की दिशा में बहती है, यानी ऊंचाई से नीचे की तरफ जाती है। अब बिहार की जब बात करते हैं, तो बिहार में ढाल किधर है? तो देखिए, ये बिहार का मैप हो गया। इधर क्या है? नॉर्थ, उत्तर, नीचे दक्षिण, इधर पश्चिम, और इस साइड में पूरा। अब देखिए, बिहार में जो ढाल है ना, वो क्या है? ऊपर से नीचे की तरफ है, यानी उत्तर से दक्षिण की तरफ है। कहां तक? बीच बिहार तक। और नीचे भी बहुत मजेदार चीज है, क्या कि नीचे भी दक्षिण से भी ऊपर की तरफ ही ढाल है। मतलब ऊपर से भी बीच मध्य बिहार तक ढाल है, और नीचे से दक्षिण से भी मध्य बिहार तक ढाल है। यानी सबसे नीचे का क्षेत्र जो है बिहार में, वो ये एरिया हो गया, बीच वाला हिस्सा। तो सारी नदियां क्या होगी? जो ऊपर वाली नदियां होगी उत्तर की, वो भी यहां तक आएगी, और नीचे की नदी जो है वो भी यहां तक आएंगी। तो बीच से एक नदी बहती है, आप लोगों को पता है उसका क्या नाम है? गंगा नदी। तो होता क्या है कि जितनी भी नदियां हैं बिहार की, उत्तर से आए तो भी गंगा नदी में आके मिल जाती है, और दक्षिण से आए तो भी वो गंगा नदी में आके मिल जाती है। अब देखिए, गंगा नदी की दिशा कौन सी है? पश्चिम से पूरब की ओर। क्यों? क्योंकि मध्य प्रदेश में ढाल पश्चिम से पूरब की ओर है। तो हम लोग को समझ में आ गया हो कि नदी किस दिशा में बहेगी बिहार में, और क्यों बढ़ेगी। तो देखिए, चूंकि सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? गंगा नदी, जो कि बिहार के एकदम बीचों बीच है। तो सबसे पहले हम लोग गंगा नदी के बारे में ही जानेंगे। अब इस मैप में देखिए, ये है हमारी गंगा नदी, जो कि बिहार को लगभग कितने भागों में बांट रही है? दो हिस्सों में बांट रही है। और दो हिस्सों में बांटने के साथ साथ यह बिहार के लिए ही रीढ़ की हड्डी है। क्यों? क्योंकि बहुत बड़ी आबादी इसी गंगा नदी पर निर्भर करती है। किस लिए निर्भर करती है? सिंचाई के लिए, जलापूर्ति के लिए, परिवहन के लिए, मछली के लिए, यानी सारा कार्य बहुत हद तक किस पर निर्भर करता है? गंगा नदी पे। और बाकी नदियां जो है, उत्तर से भी आके गंगा नदी में मिल रही है, देखिए, और दक्षिण से भी आके गंगा नदी में मिल रही है। तो देखिए, यहां पे एक चीज याद रखिएगा कि प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि बिहार की सबसे पहली लेफ्ट ट्रिब्यूटरी कौन सी नदी है। अब बोलेगा सबसे पहली, तो कैसे हम जानेंगे सबसे पहली और लेफ्ट ट्रिब्यूटरी क्या है? तो देखिए, गंगा नदी की बहाव की दिशा क्या है? पश्चिम से पूरब की ओर ऐसे बहती है। तो जब इधर से बहती है, तो ऊपर वाला हिस्सा उसका हो गया लेफ्ट हिस्सा, यानी कि बायां हिस्सा, और नीचे वाला क्या हो गया? राइट हिस्सा, यानी कि दायां हिस्सा। तो बाएं तरफ की जितनी नदियां हैं ना, वो हो गई लेफ्ट ट्रिब्यूटरी, यानी बाएं तरफ से आकर मिलने वाली, और ये हो गई राइट ट्रिब्यूटरी। अब मैं बोला था क्या कि लेफ्ट ट्रिब्यूटरी में सबसे पहली नदी कौन सी है? तो सबसे पहली नदी कौन सी है? देखिए, घाघरा नदी। कभी कभी आपको प्रश्न ऐसा पूछा जाएगा जिसमें कि एक क्रम से सजाने के लिए बोलेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है या गलत है, ये कर दे देगा, लेफ्ट ट्रिब्यूटरी बोल देगा। तो सबसे पहले कौन सी नदी आती है? देखिए, घाघरा नदी, उसके बाद गंडक नदी आती है, फिर बूढ़ी गंडक, बागमती, उसके बाद कोसी, महानदी, ये सारी नदियां लेफ्ट ट्रिब्यूटरी है। जबकि नीचे से कर्मनासा, सोन, यहां पुनपुन, फल्गु, क्यूल, ये सारी नदियां क्या है? राइट ट्रिब्यूटरी है। तो ये समझ में आ गया कि इस तरह से हम लोग दो भाग में बांट के पढ़ने वाले हैं। अब देखिये, प्रश्न क्या पूछा जाता है? प्रश्न पूछा जाता है क्या कि ये जो नदियां हैं, इसकी उद्गम कहां पे है, पहली चीज। दूसरी चीज, ये बिहार में देखिए प्रवेश कर रही है, कहां पे प्रवेश करती है, ये भी पूछ देगा आपसे। फिर इसकी खासियत क्या है, और यह गंगा नदी में कहां पे मिलती है, ये भी पूछा जा सकता है। तो इस तरह से प्रश्न बनता है। तो एक एक करके अब हम लोग सभी नदियों के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले बिहार की रीढ़ की हड्डी कौन सी? गंगा नदी के बारे में जानेंगे। गंगा नदी, जिसे की सबसे पवित्र नदी भी कहा जाता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि सबसे पवित्र नदी कौन सी है? गंगा नदी। और सबसे अपवित्र नदी कौन सी है? चलिए, आप लोग कमेंट करके जवाब दीजिएगा। और उस नदी के बारे में भी अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं। चलिए, आप तो गेस कर ही सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं गंगा नदी के बारे में। अब देखिए, गंगा नदी, गंगा नदी बिहार में कहां से आती है? तो ये यूपी से आती है। यूपी से आती है इस जगह पे, जिस जगह का नाम क्या है? चौसा।
तो चौसा नामक स्थान पे यूपी से बिहार में प्रवेश करती है। उसके बाद देखिए यह कौन कौन से शहर से गुजरती है, छपरा, पटना, मुंगेर, भागलपुर, कटिहार होते हुए यह कहां चली जाती है, पश्चिम बंगाल में चली जाती है। पश्चिम बंगाल में जाकर के फिर क्या होती है, उसका दो हिस्सा हो जाता है, एक हिस्सा बांग्लादेश चली जाती है और एक हिस्सा सीधे बंगाल की खाड़ी में चली जाती है। और बांग्लादेश जो हिस्सा जाती है उसमें आकर के ब्रह्मपुत्र नदी मिलती है और फिर वो भी बंगाल की खाड़ी में चली जाती है। तो ये तो एक बिहार में लेआउट देखा। अब देखिए कि अधिकतर सारी नदियां आ रही हैं, तो विस्तार से देखते हैं। गंगा नदी, गंगा नदी की टोटल लंबाई कितनी है, 2525 किलोमीटर, मतलब उद्गम से लेकर के बंगाल की खाड़ी तक जाने तक। उसके बाद भारत में इसकी लंबाई है 2071 किलोमीटर और बांग्लादेश में कितना है, 454 किलोमीटर। जबकि हमें इम्पोर्टेंट बात याद रखना है कि बिहार में कितनी लंबाई, बिहार में लंबाई है 445 किलोमीटर। अब देखिए इसका उद्गम क्या हो गया, गंगोत्री हिमनद जहां से भागीरथी निकलती है और भी कई धारा निकलती है जो मिल करके गंगा बनाती है, सो प्रमुख कौन सा, अलकनंदा। तो भागीरथी जो है वो आई और अलकनंदा दोनों आकर के देवप्रयाग में मिल जाती है। देवप्रयाग में मिलती है तो इसका नाम हो जाता है क्या, गंगा। अब ये कौन सा राज्य में, उत्तराखंड में। उत्तराखंड से यह नदी कहां आती है, यूपी में आती है, यूपी में इसका नाम गंगा ही रहता है। वहां से बिहार चौसा में प्रवेश करती है, यहां भी गंगा ही रहता है। फिर छपरा, पटना, मुंगेर, भागलपुर, कटिहार होते हैं, पश्चिम बंगाल चली गई। बंगाल वहां से दो भाग बट गई, बंगला एक तो बंगाल खाड़ी चली गई, एक बांग्लादेश चली गई, और बांग्लादेश वाला भाग भी बाद में बंगाल खाड़ी में ही आके मिल जाती है। अब देखिए ये जो गंगा नदी है ना, ये इस क्रम में कौन कौन से जिला से होकर गुजरती है, कौन कौन से जिला आपके हो से गुजरती है, तो अगर आपसे पूछे कितने जिला से, तो 12 जिला से होके गुजरती है। अब ये 12 जिला कौन कौन सा है, देखिए सबसे पहले जो यहां इंटर की यानी बक्सर, फिर कौन सा होगा, भोजपुर, भोजपुर के बाद ये छपरा यानी सारण, सारण के बाद पटना, पटना और इधर वैशाली, फिर समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया, फिर मुंगेर, मुंगेर के बाद भागलपुर, भागलपुर के बाद कटिहार। तो इस तरह से टोटल 12 जिले से गुजरती है। अब देखिए इन जिलों में गंगा नदी सबसे ज्यादा किस जिले से होकर गुजरती है, तो सबसे ज्यादा क्षेत्र पटना जिले से होकर गुजरती है। अब देखिए दुनिया में गंगा नदी को जो है ना वाटर डिस्चार्ज के मामले में यानी सबसे ज्यादा जल अधिग्रहण के मामले में तीसरे नंबर पर रखा गया है, और भारत का नेशनल वाटर वे वन जो है वो अभी गंगा नदी पर ही है। तो ये थी हमारी गंगा नदी। गंगा नदी के बाद अब हम लोग इनकी सहायक नदियों के बारे में पढ़ेंगे, पहले लेफ्ट फिर राइट। तो लेफ्ट ट्रिब्यूटरी में सबसे पहले आती है घाघरा नदी। अब ये घाघरा नदी जो है ना देखिए ये भी यूपी से आ रही है, यूपी से आ करके बिहार में प्रवेश करती है, कहां पे, सिवान जिले में, और यहां से ये देखिए बहते हुए कहां आती है, छपरा के पास एक जगह रेवेलगंज जहां पर की गंगा में मिल जाती है। अब गौर से देखिए तो इस जगह पे देखिए ये बॉर्डर पर बह रही है, इधर देखिए बलिया डिस्ट्रिक्ट होता है जहां पे ये प्रवेश करती है, तो यहां पे यूपी और बिहार के बॉर्डर पर बहती है, यानी कि यूपी और बिहार के बीच सीमा का निर्धारण करती है। आप लोग याद रखिएगा कि कौन कौन सी नदियां सीमा निर्धारण करती है, तो सबसे पहले हम किसको देख रहे हैं, घाघरा नदी को। तो घाघरा नदी जो है उसके बारे में जो प्रमुख बात है वो देखते हैं। घाघरा नदी इसकी लंबाई कितनी है, 1080 किलोमीटर। यह नामपा श्रेणी नेपाल से निकलती है, कहां, नेपाल से, नेपाल और तिब्बत के बॉर्डर के पास से निकलती है, या कह सकते हैं मानसरोवर के पास से निकलती है यह नदी, लेकिन जहां से निकलती है वो कहां है, नेपाल में, वहां से वो आती है यूपी में। अब देखिए नेपाल से यूपी आई, लेकिन यह नदी जो है ना नेपाल की सबसे लंबी नदी है। अब देखिए यूपी आ गई, यूपी में जब आ गई तो यूपी में यह नदी कहर ढा देती है, बहुत बाढ़ लाती है, इसीलिए इसे यूपी का शोक भी कहा जाता है। चलिए आप लोग कमेंट करके बताइए, तो बिहार की शोक किसे कहा जाता है, तो यूपी का शोक हो गया। वहां से यह बिहार में आती है सिवान में, सिवान के बाद सारण जिले में आती है, और वहां पर रेवेलगंज एक जगह है छपरा के पास जहां गंगा में मिल जाती है। महत्वपूर्ण बात क्या हो गया, सीमा निर्धारण किया इसने, यूपी की शोक कहा जाता है, नेपाल की लॉन्गेस्ट रिवर है, और गंगा की सहायक नदियों में यह दूसरा स्थान रखती है। तो गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदियां कौन सी है बताइए, तो सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, यमुना, और दूसरे नंबर पे कौन सी है, यही घाघरा। उसका वाटर वॉल्यूम कैरी करने के मामले में यानी पानी को कैरी करने के मामले में सबसे बड़ी है गंगा की सहायक नदियों में ये। अब एक चीज और याद रखिएगा, बिहार में इसका नाम क्या है, घाघरा नदी, लेकिन बिहार से पहले यूपी में इसी नदी को सरयू नदी भी कहा जाता है। सरयू नदी के किनारे
एक बहुत ही महत्वपूर्ण शहर है हिंदू धर्म के हिसाब से तो बहुत ही ज्यादा। कौन सा शहर है? अयोध्या, इसी के किनारे बसा हुआ है। तो देखिए ये थी घाघरा नदी जो कि सरयू है, बिहार में आई, घाघरा हो गई और इसके बारे में सारी बातें हमने जान ली। अब जो अगला ट्रिब्यूटरी हम लोग पढ़ने वाले हैं ये भी लेफ्ट ट्रिब्यूटरी है, बाईं किनारे पे आती है, कौन सी? गंडक नदी। गंडक नदी, अब देखिए गंडक नदी देखिए यहां पे प्रवेश करती है, यानी ये पश्चिमी चंपारण का एक जगह है भैंसा लोटन, वहां पर बिहार में प्रवेश करती है। उसके बाद यूपी और बिहार के बीच देखिए ये बॉर्डर भी बनाती है और 120 किलोमीटर लंबा बॉर्डर बनाती है, बॉर्डर बनाती है। फिर देखिए पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, फिर सारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, पटना होते हुए यहां पर आकर के यह गंगा में मिल जाती है। गंगा पे जिस स्थान पर मिलती है उस जगह का नाम है भैंसा लोटन। यह भैंसा लोटन जगह जो है जो पटना से थोड़ा सा पहले है और सोनपुर और हाजीपुर के बॉर्डर पे है, और जिस ये जो संगम है ना जहां पर की ये नदी आके मिलती है उस जगह पर एक मेला लगता है जिसे हरिहर क्षेत्र का मेला भी कहते हैं, या फिर आप लोग जानते होंगे सोनपुर का पशु मेला के नाम से जाना जाता है। तो इस तरह से गंडक नदी आती है और यह गंगा में मिल जाती है। इस पे कई परियोजना भी है, बिहार में अगर परियोजना की बात की जाए तो नदियों पर बहुत कम है, तो सबसे ज्यादा परियोजना किस पे? इसी गंडक नदी पे है। तो आइए इसके बारे में देखते हैं कुछ जानकारी। गंडक नदी यह कहां से निकलती है? तो इसका उद्गम है अन्नपूर्णा पहाड़ी, कहां पे? नेपाल में, जो कि तिब्बत बॉर्डर पे है, यानी नेपाल में आई। नेपाल से कहां आती है? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश से कहां आई? बिहार में। बिहार में कहां? भैंसा लोटन। किस जिले में? पश्चिमी चंपारण। पश्चिमी चंपारण में ही इस पे एक बैराज बना हुआ है, वाल्मीकि नगर बैराज, और यहां इस पे कई परियोजनाएं हैं। कौन कौन सी परियोजनाएं? तिरहुत, त्रिवेणी, सारण, तेयूर, राजपुर नहर, ये परियोजनाएं हैं। और देखिए उसके बाद जब ये टोटल 5-6 जिला को कवर करती है, उसके बाद ये जब हाजीपुर के पास आती है तो हाजीपुर और सोनपुर के बॉर्डर पे जो जगह है पहलेजा घाट, पटना से थोड़ा सा पहले, वहां गंगा में मिल जाती है। तो चलिए आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि गंडक नदी कितने जिलों को क्रॉस करती है और वह जिले कौन कौन से, हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था। अब अगली नदी है बूढ़ी गंडक। अच्छा, बूढ़ी गंडक से पहले गंडक नदी के बारे में एक बात और याद रखिएगा, ये जो नदी है ना जब ये नेपाल में होती है तो नेपाल में पर्वतीय क्षेत्र से भी बहती है और मैदानी भागों से भी, तो पर्वतीय क्षेत्र में इस नदी का नाम है शालिग्रामी। क्यों? क्योंकि अपने साथ जो पत्थर बहा के लाती है वो सफेद रंग का पत्थर होता है जो पूजा के रूप में प्रयोग किया जाता है, उसका नाम होता है शालिग्राम, इसीलिए इसे शालिग्रामी भी कहा जाता है, और मैदानी भाग में इसे नारायणी नदी भी कहते हैं। तो गंडक नदी का कौन कौन सा नाम हो गया? शालिग्रामी, नारायणी, इसके अलावा इसे सप्त गंडकी भी कहते हैं, सदा नीरा भी कहते हैं, जरूर याद रखिएगा इसे। गंगा की लेफ्ट ट्रिब्यूटरी में अगली नदी है बूढ़ी गंडक। बूढ़ी गंडक जो कहां से निकलती है? पश्चिमी चंपारण से, और यह गंगा में कहां मिलती है? खगड़िया में एक जगह है गोगरी, तो गोगरी में आकर के यह खगड़ी जो है गंगा में मिल जाती है। इस जगह पे क्या होता है कि एक तरफ गोगरी है दूसरी तरफ मुंगेर हो जाता है। अब देखिए बूढ़ी गंडक की खासियत क्या है? बूढ़ी गंडक की खासियत क्या है कि यह बिहार के अंदर गंगा की सहायक नदियों में सबसे लंबी है, पहली बात। दूसरी बात कि इसका प्रवाह बहुत तेज होता है, इसके कारण क्या होता है, यह बहुत खतरनाक मानी जाती है। अगर कोई इस नदी में नहाने के लिए जाता है तो सबसे ज्यादा डूबने की घटना इसी नदी में होती है, तो इसीलिए इसे सिकरना नदी भी कहा जाता है। तो आइए देखते हैं बूढ़ी गंडक के बारे में। बूढ़ी गंडक जो है यह गंडक की प्रत्यक्त धारा है। परित्यक्त धारा मतलब क्या, पहले गंडक जो था उसका कोर्स ये था, लेकिन वो क्या हुआ कि बाद में बदल गया समय के साथ और ये अलग से एक धारा बन गई। तो गंडक की प्रत्यक्त धारा के कौन सी है? बूढ़ी गंडक, याद रखिएगा इसे। उसके बाद इसका उद्गम है सोमेश्वर पहाड़ी। सोमेश्वर पहाड़ी के पास एक चौतरवा चौर है, वहीं से यह नदी निकलती है। तो यह पश्चिमी चंपारण, फिर पूर्वी चंपारण, उसके बाद मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, बेगूसराय, उसके बाद खगड़िया आती है। खगड़िया में ही गोगरी नामक जगह पर यह गंगा में मिल जाती है। सबसे तेज प्रवाह है और यह सबसे लंबी सहायक नदी है, कहां पे? बिहार में। यह इसे याद रखने वाली बात है। अब अगली नदी के बारे में हम लोग देखते हैं। अब अगला नदी कौन से? बागमती नदी। बागमती नदी, इसका एक और नाम है करेह।
करेह नदी भी इसी को बोला जाता है। यह निकलती कहां से है? यह नेपाल में महाभारत श्रेणी से निकलती है। कहां से? महाभारत श्रेणी से। महाभारत श्रेणी से निकलती है और नेपाल की राजधानी काठमांडू इसी नदी के किनारे बसा हुआ है। और एक बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है, कौन सा? पशुपतिनाथ मंदिर, वह भी इसी बागमती नदी के किनारे बसा हुआ है। अब देखिए, यह बिहार में कहां प्रवेश करती है? समस्तीपुर में। समस्तीपुर में या बिहार में, माफ कीजिए, समस्तीपुर में सीतामढ़ी में प्रवेश करती है। सीतामढ़ी, यहां पर यह बिहार में प्रवेश करती है। और उसके बाद सीतामढ़ी दरभंगा क्रॉस करते हुए समस्तीपुर आती है। और यहां पर आकर के इसका एक भाग क्या होता है, वह मुड़ जाता है किसकी ओर? बूढ़ी गंडक की ओर। और दूसरा भाग आगे की ओर बढ़ जाता है। तो बेगूसराय के पास आकर के एक भाग बूढ़ी गंडक में मिल जाता है। दूसरा भाग जो आगे बढ़ता है वो खगड़िया का एक जगह बदला घाट, बदला घाट जो कि बेलदौर प्रखंड में पड़ता है, यहां पर आकर के कोसी नदी में मिल जाता है। एग्जैक्ट अगर गांव का नाम बोले तो उस गांव का नाम है पचौट, जहां पर कि यह कोसी नदी में मिल जाता है। तो यह थी कौन सी नदी? बागमती नदी। बागमती नदी के बाद कुछ छोटी छोटी नदियां हैं, जैसे एक कमला नदी, बलान नदी। ये कमला बलान नदी और कोसी नदी, इन सबों की खासियत क्या है ना कि यह अपना रास्ता बदल लेती है। कभी कहीं से चलती है, फिर पानी आया, बहुत बड़े क्षेत्र में बाढ़ लाई, और उसके बाद क्या हुआ कि बाढ़ के बाद इसका रास्ता ही बदल के कहीं और हो जाता है। यानी मार्ग बदलने के लिए ये नदियां प्रसिद्ध है। कमला नदी यह भी नेपाल से निकलती है और बिहार में मधुबनी में प्रवेश करती है। कहां पे? मधुबनी में। और आगे जाकर के यह भी बदला घाट के पास कोसी नदी में मिल जाती है। नेपाल में ये जिस जगह से निकलती है उसको बोलते हैं हम लोग चुड़िया रेंज, यानी चुड़िया रेंज से निकलती है। उसके बाद एक बलान नदी है, यह मधुबनी के पास ही निकलती है और यह आकर के पहले कमला में मिल जाती है, बाद में तो फिर यह बदला घाट में कोसी में ही मिल जाती है। अब अगली जो नदी है वो है कोसी नदी। कोसी नदी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है, तो देखते हैं इसके बारे में। कोसी नदी जो कि तिब्बतीय पठार यानी गोसाई नाथ से निकलती है, कहां? नेपाल में। तो जब वो वहां पे निकलती है तो वहां पे सात धाराएं होती है, वो सात धाराएं मिलकर के कोसी नदी में बनाती है, इसलिए नेपाल में इसे सप्त कोसी का भी कहा जाता है। तो आइए देखते हैं कि सात धाराएं कौन कौन सी है। ये सात धाराएं हैं, तमूर कोसी, सोन कोसी, अरुण कोसी, दूध कोसी, ताम्र कोसी, इंद्रावती और लिखुलखोला। ये सातों मिलकर के कोसी नदी का निर्माण करती है। कोसी नदी जो कि बिहार में कहां प्रवेश करती है? सुपौल में प्रवेश करती है। और यह कुरसैला में जाकर के गंगा नदी से मिल जाती है। कुरसैला जो कि कहां है? कटिहार जिले में है, तो वहां पर गंगा नदी में मिल जाती है। कोसी नदी की खासियत क्या है ना कि यह बरसात के दिनों में काफी बड़े क्षेत्र पे पानी भर देती है, यानी बाढ़ लाती है, और काफी विकराल बाढ़ लाती है। इसकी बाढ़ ऐसा नहीं है कि एक दो दिन, दो दिन या चार दिन में पानी निकल जाएगा, नहीं, महीनों भर पानी रहता है। इसीलिए कोसी नदी को बिहार का शोक भी कहा जाता है। तो याद रखिएगा, कोसी नदी को बिहार का शोक एक और कारण से क्यों बोलते, क्योंकि यह अपना मार्ग बदल देती है। अब मार्ग कैसे बदलती है? मान के चली गई, अभी यहां से नदियां बह रही थी, ये नदी बाढ़ लाई, पूरा भर गया ये एरिया, और उसके बाद जब बाढ़ खत्म हुआ तो पता चला कि नदी यहां थी, अब वो खिसक के यहां चली गई। तो कितना बड़ा देखिए दिक्कत हो जाएगी, यहां पे जो भी एरिया होगा, गांव होगा, वो सबका सब नदी में आ जाएगा और इधर फिर सूख जाएगा। तो ये हाल है इसका 2007 से लेकर के और अभी तक की अगर बात किया जाए तो कोसी नदी जो है ना अपना मार्ग 133 किलोमीटर बदल चुकी है। अब सोचिए कि 133 किलोमीटर पहले जहां पे बह रही होगी अभी उससे उतनी दूर बह रही है। तो ये खासियत है किसकी? कोसी नदी की। तो हम लोग इस तरह देख रहे हैं कि कोसी नदी को बिहार का शोक क्यों कहा जाता है। वैसे सिर्फ कोसी नदी शोक ही नहीं है, इसके अलावा इसे फायदे भी हैं। क्या? जब ये बाढ़ लाती है ना तो बाढ़ के साथ साथ नई मिट्टी लाती है, जिससे कि वो एरिया बहुत ही उपजाऊ हो जाता है। यानी कोसी क्षेत्र का जो एरिया है वह काफी उपजाऊ होता है। क्यों? इसी कोसी नदी के बाढ़ के कारण। तो ये देखिए कि लेफ्ट ट्रिब्यूटरी में कौन सी नदी पढ़े हम लोग? कोसी नदी। अब जो अगला नदी और अंतिम नदी पढ़ेंगे वो है महानंदा। महानंदा याद रखिएगा, महानदी नहीं, महानंदा। महानंदा जो कि बिहार के लेफ्ट ट्रिब्यूटरी में सबसे अंतिम नदी है, यह निकलती कहां से है? महानंदा नदी दार्जिलिंग से निकलती है। कहां से? दार्जिलिंग।
इसकी खासियत क्या है कि दार्जिलिंग यानी वेस्ट बंगाल में निकलती है, वहां से ये चली जाती है कहां, बांग्लादेश में, बांग्लादेश से फिर वापस बंगाल में आती है, बंगाल के बाद फिर यह बिहार में प्रवेश करती है। तो बिहार में यह कहां पे प्रवेश करती है, किशनगंज जिले में, किस जिले में, किशनगंज, किशनगंज जिले में प्रवेश करती है, फिर वहां से साइड से ही ये बहती हुई यानी किशनगंज, किशनगंज के बाद पूर्णिया, उसके बाद कटिहार, कटिहार में यह गंगा में नहीं जाती बल्कि कटिहार में ही यह बिहार से बाहर पश्चिम बंगाल में चली जाती है, किस जगह पे, मालदा, इस जगह पे यह क्या होती है, पश्चिम बंगाल से, फिर यह आगे जा करके वापस बांग्लादेश में जाती है और फिर गंगा में मिल जाती है। तो यह कौन सी नदी थी, महानंदा। अब हम लोग देखेंगे दक्षिण बिहार की नदियों में, दक्षिण बिहार और उत्तर बिहार की नदियों में एक सबसे बड़ा फर्क क्या था कि उत्तर बिहार की नदियों में सालों भर खूब पानी रहता है, क्यों, क्योंकि यह हिमालय से निकलती है, जबकि दक्षिण बिहार की नदियां जो प्रायद्वीपीय नदियां हैं। आइए एक तरफ से देखते हैं सबके बारे में। अब देखिए इसमें जो सबसे पहली नदी है वह है कर्मनासा। मैंने कुछ देर पहले आपको क्या बोला था कि हम लोग अभी सबसे पवित्र नदी यानी गंगा के बारे में पढ़ रहे हैं और एक ऐसी नदी के बारे में पढ़ेंगे जिसे कि एकदम ही कर्म को नाश करने वाला बोला जाता है, वही नदी है कौन सा, कर्मनासा। ऐसा बोला जाता है कि अगर कर्मनासा नदी में आप नहा लेते हैं तो आपका जितना भी अच्छा कार्य किया हुआ है, अच्छा फल है, सब कर्मों का नाश हो जाता है। चलिए ये तो कहने की बातें हैं। और इस कर्मनासा नदी की खासियत क्या है कि इसका पानी जो है लाल रंग का होता है, रेडिश कलर का होता है, इसलिए भी लोग बोलते होंगे। तो यह नदी निकलती कहां से है, तो यह निकलती है कैमूर से, कैमूर जिले से निकलती है और उसके बाद यह उत्तर प्रदेश में चली जाती है, यूपी में, फिर वापस यह यूपी से होते हुए फिर बिहार में प्रवेश करती है, यानी फिर से यह कहां पर प्रवेश करती है, बिहार में, और बिहार में प्रवेश करती है तो यह बॉर्डर पे चलती है, यानी आप देख रहे हैं कि यह यूपी और बिहार के बीच बॉर्डर बनाती है। तो हमने एक बार चर्चा किया था कि कौन कौन सी नदियां बॉर्डर बनाती है, तो अभी तक हमने दिखा था घाघरा और गंडक, अब देखिए एक और नदी आ गई, कौन सी, कर्मनासा नदी, यह भी बिहार यूपी के बीच बॉर्डर बनाती है, फिर चौसा वाल नामक स्थान पे जहां की गंगा नदी यूपी से बिहार में इंटर करती थी, यहीं पर यह गंगा में मिल जाती है, यानी कर्मनासा नदी चौसा में गंगा में मिल जाती है। तो हमने देख लिया इसके बारे में, क्या खास बात याद रखना है कि कर्मनासा नदी जिसे कि अपवित्र नदी माना जाता है, यह विंध्याचल पहाड़ी से निकलती है, यानी कहां पे, कैमूर से ही निकलती है, यूपी बिहार के बीच बॉर्डर बनाती है और चौसा में जाकर के गंगा में मिल जाती है। चलिए आप लोगों के लिए एक प्रश्न है कि शेरशाह और हुमायूं का युद्ध भी कहां हुआ था, चौसा में हुआ था, कब हुआ था, आप लोग कमेंट करके बताइए। तो अब अगली नदी देखते हैं, अगली नदी है सोन नदी, जो कि सबसे लंबी नदी है मतलब दक्षिणी बिहार की। सोन नदी यह कहां से निकलती है, सोन नदी निकलती है अमरकंटक से, कहां से, अमरकंटक जो कि कहां है, मध्य प्रदेश में, वहां से निकलती है, वहां से उत्तर प्रदेश में जाती है, मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश, फिर उत्तर प्रदेश से बिहार में प्रवेश करती है, कहां, रोहतास जिले में। अब देखिए यहां पे यह बिहार और झारखंड के बॉर्डर पे चलती हुई इधर आती है। अब देखिए यह नदी सोन नदी बिहार और झारखंड के बीच क्या बनाई, बॉर्डर बनाई, याद रखिएगा बॉर्डर बनाने वाले में यह भी एक नाम याद रहेगा। उसके बाद यह रोहतास से जब गुजरती है तो एक नदी आकर के इससे मिल जाती है, कौन सी, नॉर्थ कोयल यानी उत्तरी कोयल, कहां पे, रोहतास जिले में एक और नदी आके इससे मिल जाती है। और फिर देखिए यह नदी जब आगे बढ़ती है और अंत में आकर के गंगा में मिल जाती है। अब गंगा में कहां पर मिलती है, तो दानापुर के पास मिलती है, दानापुर के पास एक जगह है मनेर, तो जहां पर यह नदी सोन नदी गंगा में मिल जाती है। अब देखिए पटना को पहले के समय में जल दुर्ग बोला जाता था, क्यों, क्योंकि देखिए एक तो गंगा नदी होती है, उसके बाद एक तरफ से गंडक, एक तरफ से सोन, यानी यह नदियों से घिरा हुआ क्षेत्र होता था, और पहले के समय में क्या हुआ, नदियां भी एक दुर्ग का काम करती थी, रोकने का काम करती थी दुश्मनों को, इसलिए पटना को जल दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है। अब देखिए ये जो सोन नदी है ना, यह दक्षिण बिहार की सबसे लंबी नदी है और इस पे कुछ परियोजना है, जैसे देहरी बांध इसी पे बना हुआ है, और आरा पटना के बीच जो रेल पुल है वह सोन नदी पे है, जो कि सबसे लंबा रेल पुल है। अगली नदी है पुनपुन नदी। पुनपुन नदी यह कहां से निकलती है, झारखंड के पलामू से निकलती है, वहां से छत्तीसगढ़ में जाती है, फिर मध्य प्रदेश में जाती है, और मध्य प्रदेश से ही यह बिहार में प्रवेश करती है। बिहार में कहां, औरंगाबाद जिले में प्रवेश करती है, और औरंगाबाद जिले में प्रवेश करती है ये, और फिर यह बहती हुई जाकर के कहां, गंगा से मिल जाती है। गंगा में कहां मिलती है, एक जगह फतुहा,
यानी फतुहा में आकर के यह पुनपुन नदी गंगा में मिल जाती है। यह फतुहा भी कहां है? पटना के पास ही है। अब देखिए अगली नदी है फल्गु नदी। फल्गु नदी, फल्गु नदी छोटा नागपुर के पठार एन झारखंड से निकलती है और वहां से बिहार के गया में प्रवेश करती है। कहां पे? गया शहर में प्रवेश करती है और गया शहर जो है ना इसी नदी के तट पे बसा हुआ है। और आगे जाकर के यह गंगा में नहीं मिलती है बल्कि गंगा के पास जो एरिया है ना, हमने पढ़ा था प्राकृतिक वाले वीडियो में क्या कि ताल क्षेत्र होता है, यानी गंगा के यहां पे पटना के बाद क्या है मोकामा तक एक ताल क्षेत्र है। तो यह इसी ताल क्षेत्र में नदी जाकर के विलीन हो जाती है, यानी गंगा में मिलने से जस्ट पहले। अब देखिए ये जो नदी है ना फल्गु नदी, फल्गु नदी में बोध गया के पास एक नदी आके मिल जाती है, कौन सी? मोहना नदी। और इसका जल क्षेत्र बहुत व्यापक हो जाता है, बहुत बड़ी हो जाती है। और बोध गया जो है वह किस लिए प्रसिद्ध है? यहां पे गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुई थी इसलिए प्रसिद्ध है। तो यह था कौन सी नदी? फल्गु नदी। तो अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि कौन सी नदी है जो कि ताल क्षेत्र में विलीन हो जाती है, तो वो कौन सी नदी है? फल्गु नदी, जो गंगा के पहले ही ताल क्षेत्र में विलीन हो जाती है। अब देखिए अगली नदी कौन सी है? क्यूल नदी। अब ये क्यूल नदी जो है ना वो कहां से निकलती है? वह झारखंड से निकलती है, झारखंड में हजारीबाग से, हजारीबाग से निकलती है और बिहार में प्रवेश करती है। कहां? लखीसराय में। और यह नदी जो है ना लखीसराय के, अगर आप लोग कभी लखीसराय से गुजरे होंगे तो लखीसराय के बाद एक रेलवे स्टेशन आता है क्यूल, उसके बीच से यह नदी बहती है। देखिएगा एकदम सूखी सूखी नदी नजर आएगी लेकिन बरसात में इसमें पानी काफी भर जाता है। तो यह क्यूल नदी आगे जाकर के मुंगेर के पास एक जगह सलारपुर और वहीं पर एक गांव है या जगह है सूर्यगढ़ा, तो वहां पर यह गंगा में आकर मिल जाती है। क्यूल नदी भी किसमें? गंगा में ही समाहित हो जाती है। अब देखिए एक नदी और है चानन नदी। चानन जिसे चंदन नदी भी बोलते हैं, यह कहां से निकलती है? यह भागलपुर से ही निकलती है और यह भागलपुर कटिहार से होते हुए कटिहार के पास जाती है और यह गंगा में मिल जाती है। इसके अलावा एक और नदी है जो कि जमुई से निकलती है, जमुई वाले रीजन से। और यह नदी जो है ना बिहार से निकल करके ये कहां जाती है? यह गंगा में नहीं मिलती है, गंगा से बाहर की तरफ निकलती है और यह जाकर के कहां मिल जाती है? पश्चिम बंगाल में चली जाती है और हुगली नदी मिलती है, यानी गंगा में आगे जाकर के। जमुई में एक क्षेत्र है बटपार, तो उसी जगह से निकलती है कौन सी? अजय नदी। तो याद रखिएगा कि गंगा से बाहर बहने वाली एकमात्र नदी है, आउटसाइड गंगा वाली नदी, वो कौन सी है? जमुई, जिसकी धारा गंगा के दिशा में नहीं है बल्कि उससे विपरीत है और आगे जाकर के वो भी हुगली में ही मिल जाती है, लेकिन कहां? पश्चिम बंगाल में। तो इस तरह से हमने देखा आज बिहार की नदियों के बारे में। दो तरह की नदियां हैं, पश्चिमी बिहार, उत्तरी बिहार और दक्षिणी बिहार, दोनों की अलग अलग नदियां। उत्तरी बिहार जो कि बाढ़ के लिए प्रसिद्ध है क्योंकि इसकी नदियों में सालों भर पानी रहता है। और यहां की नदियों की खासियत क्या है कि ये मार्ग बदलती है, जिसमें सबसे नंबर वन पे कौन सी है? कोसी नदी, जो कि मार्ग काफी ज्यादा बदलती है। और दक्षिण भारत की नदियां क्या है? बरसाती नदियां हैं। तो हमें देखिए इसमें क्या क्या याद रखना है कि कौन सी लेफ्ट ट्रिब्यूटरी है, कौन सी राइट ट्रिब्यूटरी है, कौन सी नदियां सीमा का निर्धारण करती है। और कभी कभी क्रम पूछ देगा कि एक क्रम में सजाइए, तो सबसे पहले कौन सी नदी है? जैसे लेफ्ट में देखिए घाघरा, फिर गंडक, बूढ़ी गंगा, बागमती, फिर कमला, कोसी, फिर महानंदा, ऐसी ही है। और अगर राइट ट्रिब्यूटरी में देखें तो सबसे पहले कर्मनासा, फिर सोन, पुनपुन, फल्गु, उसके बाद फिर क्यूल और तब जाकर के चानन नदी है। तो इस तरह से क्रम में सजाने के लिए भी आ सकता है। चलिए आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि बिहार की कौन कौन सी नदियां हैं जो कि बॉर्डर बनाती है और किसके साथ बॉर्डर बनाती है। तो आज की वीडियो में बस यहीं तक। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।